हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे इस वीडियो में आपको कि यह कमेंट आया हमारे पास कि डीजल का एवरेज कैसे निकालते हैं। तो हम चलते हैं अपने कैलकुलेटर पर। इस्लाम जी उनका नाम है, तो हम चलते हैं अपने कैलकुलेटर पर। आप ध्यान से देखें हमको क्या करना है। जैसे हमको मालूम है एवरेज किससे बोलते हैं, 1 लीटर पेट्रोल जैसे डलवाओ या डीजल डलवाओ तो जितने किलोमीटर चल जाएगी उसको एवरेज बोलते हैं। 40 किलोमीटर चल गया 1 लीटर तो 40 का एवरेज, 50 किलोमीटर चल गया तो 50 किलोमीटर, ठीक है, 1 लीटर में 50 का एवरेज दे रही है गाड़ी, ऐसे बोलते हैं उसको, ठीक है। तो आप ध्यान से देखें, जैसे हमारा मानो 300 जैसे 5 लीटर पेट्रोल में और 300 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। तो पहले 300 लगाओ, ठीक है, किलोमीटर लगाओ पहले, फिर आपको भाग का चल लगाना है। तो आपको कितना पेट्रोल डलाए थे, 5 लीटर, ठीक है। तो यहाँ 5 दबाओ, ठीक है, भाग के बाद में। तो ये देखो 60 का एवरेज निकला आया तुम्हारा गाड़ी का, कितना, 1 लीटर में 60 किलोमीटर चलेगी तुम्हारी गाड़ी अगर 300 किलोमीटर चली है 5 लीटर में तो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक और ले लेते हैं ऐसे ही, जैसे आपकी गाड़ी 3 लीटर में और चली जैसे मान लो 160 किलोमीटर, ठीक है, कितना, 160, पहले किलोमीटर लगाओ, ठीक है, उसके बाद में भाग का चिन्ह लगाओ और जितने लीटर पेट्रोल डलाइए उसका इसमें भाग कर दो। जैसे हमें डलाइए 3 लीटर, ठीक है, ये 3 दवाएँ। तो यहाँ देखो यहाँ आ गया है, कितने का एवरेज दे रही है गाड़ी तुम्हारी, 53.33, 1 लीटर का एवरेज है ये, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। जैसे तीन लीटर पेट्रोल में 160 किलोमीटर चलती है तो ये देखो यहाँ पे 53 का एवरेज दे रही है तुम्हारी, बोले तो 53.33, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जैसे आपको एवरेज भी मालूम है और उसका किलोमीटर भी मालूम है तो पेट्रोल कितना भराना है वो कैसे मालूम करेंगे, ठीक है। उसमें क्या आपको, जैसे हमको जाना है मान लो 200 किलोमीटर, ठीक है, और 200 किलोमीटर से जाना है हमको तो, और एवरेज कितने का है उसमें, मान लो पहले इसमें 200 लगाइए, ठीक है, 200 के बाद में भाग का अच्छा लगाइए और जितना गाड़ी तुम्हारा एवरेज दे रही है उतना डाल दीजिए इसमें। जैसे तुम्हारी गाड़ी दे रही है 50 का एवरेज, ठीक है, तो यहाँ देखो आपको 4 लीटर पेट्रोल बढ़ानी पड़ेगी बस 200 किलोमीटर जाने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, और वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करना, और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि हम दूसरा वीडियो डालें तो आप तक पहुंच जाए। और आपके पास कोई कमेंट है तो आप कर सकते हैं, तो हम आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स फ्रेंड।